उत्तराखंड के कई इलाकों में दवा की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है। मेडिकल स्टोर्स पर भी प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेची जा रही हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन में है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और CO वंदना वर्मा के निर्देशन में जुल्हान निवासी राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आया अभियुक्त अपने भाई के नाम से चल रहे मेडिकल की आड़ में प्रतिबंधित कैप्सूल, टेबलेट और इंजेक्शन को नशा करने वाले युवाओं को बेचता था। इससे बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाने में पिछले कई दिनों से ये एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं इनको इनका इनकी बिक्री की जा रही है और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने थाने की टीम ने और SHO जसपुर, SSI जसपुर और यहाँ SI जावेद मलिक इनकी टीम ने काम किया और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है जिसका नाम है राजकुमार, जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है। और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं जिसमें ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम आदि टैबलेट्स हैं और इस सूचना पर मौके पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी तलाश किया जा रहा है। काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी परंतु पुराना अभी तक इसमें जितना भी टिप्पणी निकला है कि कुछ समय से ये एक्टिव है लेकिन उससे पहले भी ये कब से कर रहा है, एग्जैक्टली कब से कर रहा है उसमें हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।